ब्रह्मलोहिशौत्रिकाळवर्ती अरहन्ताणं ब्रह्मलोहिशौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं ब्रह्मलोहिशौत्रिकाळवर्ती आर्याणं ब्रह्मलोहिशौत्रिकाळवर्ती उवाचायं ब्रह्मलोहिशौत्रिकाळवर्ती शवशावणं ओंकार विदुर संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रदानं सर्व धर्मानं जैनं जयतु शासनं नवाय समय साराय श्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावाय करंचिते एगो में शाश्वत उपाद नाम दर्शन लखन शेषा में बाई या बाबा सुवेश ओम श्री नमस्ते नमस्ते कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रची समय सार की पद्मागम श्री जीव अधिकार की चौदहवीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी हम सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चौदहवीं गाथा के ऊपर सुना। उसमें पांच बोल जो दिए हुए हैं उसमें से दूसरे और तीसरे बोल की चर्चा उसमें चली। ये जो चौदहवीं गाथा है उसमें पूरे द्रव्य और पर्याय की स्पष्टता द्रव्य की द्रव्य भाव से पर्याय की पर्याय भाव से की गई है। ऐसी कोई अनुपम गाथा पांच बोल से अपना नायक भाव को सिद्ध करते हैं और बाकी के बद स्पष्ट आदि भाव है उसको पर्याय भाव से सिद्ध करते हैं। एक एक बोल में एक एक दृष्टांत देखे उसका सिद्धांत आचार्य भगवान अपने को समझा रहे हैं और कुछ गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण भी ये गाथा पर अलौकिक आया है। मूल बात ये है कि वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप ही होती है, वो भी उसकी अनादि अनंतता है, क्योंकि पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य बिना पर्याय नहीं होता। ये तो एक स्थिति है, व्यवस्था है। वो व्यवस्था में से भेद ज्ञान करने की बहुत आवश्यकता है। प्रमाण का विषय तो सबके ख्याल में आ जाता है और सब जीव प्रमाण का विषय की तो चर्चा करते ही रहते हैं। तो ये प्रमाण का विषय में से निश्चय का विषय निकालना, ध्रुव स्वभाव निकालना, त्रिकारी द्रव्य को ढूंढना, तब मेरी पर्याय जो दुख रूप है, विभाव रूप है, अशुद्धता रूप है, वो सुख रूप और स्वभाव रूप और शुद्धता रूप परिणम जाएगी। ऐसी कोई चर्चा यहाँ चौथी गाथा में भरी हुई है। कल अपन ने लिया था दो प्रकार द्रव्य के, प्रमाण का द्रव्य और निश्चय का द्रव्य। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को वो बात तो अभी मालूम है कि जब अपन दृष्टि का विषय की चर्चा करें तो प्रमाण का द्रव्य में से दृष्टि का विषय निकालने की चर्चा है। तो कोई ऐसा नहीं सोचे कि अकेली त्रिकाली द्रव्य की चर्चा चल रही है, मगर जिसकी त्रिकाली द्रव्य की चर्चा चलती है वो चलती है एक समय की अवस्था में, मगर चर्चा चलती है त्रिकाली द्रव्य की। इसलिए द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु सब समय में सिद्ध हो जाती है। कोई समय ऐसा नहीं होता कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु सिद्ध नहीं होती। इसलिए इस तरीके से इसकी अपन सोच चलाएंगे
तो चर्चा द्रव्य की चलती रहेगी, द्रव्य पर दृष्टि चली जाएगी, और दृष्टि जाने से द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, वो ज्ञान दोनों को जैसा है वैसा जान लेगा। ऐसी कोई स्थिति यहाँ चौदहवीं गाथा में परिपूर्ण परमात्मा को बताने वाली ये गाथा, और जो कुछ अपना स्वभाव त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव है वो अनादि अनंत है, एक रूप है, अखंड है, चैतन्य मूर्ति है, वो अभेदपना कभी छोड़ता नहीं, शाश्वतता कभी उसकी चली नहीं जाती। ऐसा जो अपना पूर्ण परमात्मा स्वरूप परम परिणामी भाव लक्षण वाला जो एक ज्ञायक भाव है, भूतार्थ स्वभाव है, अपरिणामी तत्व है, निर्लेप तत्व, निर्दोष तत्व, ऐसी जो मेरी सत्ता है, ऐसा जो मेरा स्वभाव है, ऐसी जो मेरी पूर्णता है, वो पर्याय में पर्यायपना छूट जाता है और पर्याय में द्रव्यपना प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई ये चर्चा यहाँ चौदहवीं गाथा में आचार्य भगवान अपने को कहना चाहते हैं। आज अपन उसका बोल लेके उसकी चर्चा करेंगे। पहला बोल तो अपना बहुत विस्तार से चल गया था, जैसे कमलिनी का पत्र वाला, जैसे कमलिनी का पत्र है, वो कमलिनी का पत्र ये अवध स्पष्ट वाला बोल, पानी में डूबते हुए पर भी, पानी में डूबा हुआ दिखने पर भी वो पानी को स्पर्शित नहीं हुआ, ये कौन मानेगा? सर्वज्ञ के जो पुत्र है ना, वो ये मान लेगा। अरे दिखता है पानी में तो कमलिनी का पत्र पानी में डूबा हुआ ऐसा बोलते हुआ पानी में ही वो बस रहा है और उसको स्पर्श ही नहीं हुआ, अस्पर्शी है वो, क्योंकि वो कमलिनी का पत्र ही ऐसा होता है जैसे त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव ऐसा होता है, ऐसा ही कमलिनी का पत्र है, ऐसा ही त्रिकाली द्रव्य का स्वभाव है, पर द्रव्य को कभी छूटा ही नहीं। तीसरी गाथा में आया समिसार परमागम की सभी द्रव्य अपने गुण पर्याय को चुभते हैं, पर द्रव्य को कोई नहीं चुभ सकता। पानी पर द्रव्य, कमलिनी का पत्र स्वद्रव्य, वो निमित नैमित्तिक संबंध से देखो तो सब वहां पे व्यवहार का जन्म हो रहा है, मगर व्यवहार सगड़ा है, भूतार्थ है। ग्यारहवीं गाथा में लिखा है चारों प्रकार के व्यवहार, असद्भुत के दो भेद रागादि के, सद्भुत के दो भेद ज्ञान के, सभी व्यवहार भूतार्थ है, और अभूतार्थ की दृष्टि करने वाले की दृष्टि सम्यक नहीं होती। इसलिए यहां कहना चाहते हैं कि अवध स्पष्ट जो तेरा परमात्मा है, तेरा स्वभाव है, वो कमलिनी का पत्र है, वो पानी में डूबा हुआ दिखने पर भी वो पानी को स्पर्शित नहीं हुआ। दो द्रव्य की भिन्नता पहले तो बता रहे हैं, दो द्रव्य की भिन्नता बता के अपने द्रव्य में लाते हैं, फिर कहते हैं कि पानी का स्पर्श तो कमलिनी का पत्र को नहीं हुआ, मगर कमलिनी के पत्र की जो पर्याय है वो पर्याय भी कमलिनी के पत्र में नहीं है। द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान चल रहा है, प्रमाण में आना पर से निकलकर और प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण में से निश्चय का दृष्टि का विषय ध्रुव को निकालना, यही पूरी चर्चा चौदहवीं गाथा में भरी पड़ी है। तो कमलिनी का पत्र का संयोग पानी से होने पर भी पानी की पर्याय और कमलिनी के पत्र की पर्याय, वो दोनों की पर्याय के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है, वो दोनों का द्रव्य तो ऐसा कैसा ही रहता है, दोनों की पर्याय के बीच में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध चलता है वो भी व्यवहार है। निमित नैमित्तिक संबंध माने की कुछ नहीं, जगत में
जगत में कोई निमित्त ही नहीं है, जगत में निमित्त है ही नहीं। हेमचंद जी साहब, निमित्त है ही नहीं जगत में कोई। आपको मानने में आ रही है बात, निमित्त नहीं है? अभी मैं सिद्ध करता हूं, है ही नहीं जगत में कोई निमित्त नहीं है। मूर्खे पागल लोग निमित्त बनाते हैं खुद, निमित्त होता नहीं कभी। अभी निमित्त आप बोलो तो निमित्त है वो निमित्त खुद अपना उपादान है कि नहीं? आप जिसको निमित्त कहो वो निमित्त है, वो निमित्त तो नैमित्तिक की अपेक्षा से निमित्त बोलते हो। अभी वो निमित्त को ही आप देखो, उसकी सत्ता को ही देखो, उसके द्रव्य गुण पर्याय को देखो, तो उसकी द्रव्य और उसकी गुण और उसकी पर्याय की प्रवृत्ता, वो तो स्वयं उसका उपादान है, क्षणिक शुद्ध या क्षणिक अशुद्ध उपादान, और उसका त्रिकाली उपादान उसका त्रिकाली द्रव्य है। कोई नहीं जी जगत में निमित्त है ही नहीं, ये निमित्त बनाता है उसको, इसलिए यहां नैमित्तिक पर्याय प्रकट होती है, इसलिए विभाव का जन्म होता है। कोई भी द्रव्य को आप उपादान से देखना सीखो, सभी उपादान है जगत में, कोई निमित्त है ही नहीं। जब तक ये सुर अंदर से नहीं उठेगा तब तक निमित्त आदि दृष्टि नहीं छूटेगी, और निमित्त आदि दृष्टि नहीं छूटेगी तब तक विभाव का जन्म प्रति समय अपनी पर्याय में होता ही रहेगा। उपादान का भरोसा, उपादान का विश्वास, उपादान की शक्ति, वो सब द्रव्य में अपने अपने में अपनी है, किसी द्रव्य से कुछ लेना देना है ही नहीं। ज्ञानी पुरुष भी किसी को कुछ दे नहीं सकते। सिद्ध भगवान अगर आपका मोक्ष करा दे तो वो अपराधी हो जाएंगे। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य से का कुछ लेना देना नहीं होता भाई साहब, सभी उपादान है, सभी उपादान है। उपादान में या तो त्रिकारी उपादान है या तो परिणमन रूप क्षणिक उपादान है। क्षणिक उपादान में दो भेद है, या तो परिणमन उसका अशुद्ध चलता है या तो परिणमन उसका शुद्ध चलता है, बस मर्यादा इतनी है, उससे आगे कुछ नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रति समय वो अपने को भूल कर भी दूसरी चीज को निमित्त बनाता है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय की पर्याय में समयवर्ती खड़ा होता है, आगे पीछे कुछ नहीं है। पर्याय एक समय की, विभाव एक समय का, पूर्व की पर्याय में विभाव हुआ इसलिए वर्तमान पर्याय में विभाव आया, बिल्कुल संबंध नहीं है। वर्तमान पर्याय में विभाव है इसलिए उसकी उत्तर पर्याय में विभाव आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर्याय प्रति समय की सत्य है, विभाव भी सत्य है, समयवर्ती सत्य, उसको कोई दूर भी नहीं कर सकता, कोई फिरा भी नहीं सकता, मगर जब तक उसको निमित्त का ही भरोसा चलता रहेगा तो विभाव की प्रगटता होती रहेगी। अभी उसको भी उपादान से देखेगा तो अपने को भी उपादान से देखने लगेगा कि वहां उपादान है यहां भी उपादान है। इसको किसी की आवश्यकता ही नहीं कि कोई निमित्त मिल जाए तो मेरा कार्य हो जाए। निमित्त की सचमुच में जरूरत ही नहीं, वो तो उपादान में कार्य आता है तो सामने होती है चित्त, तो निमित्त बोला जाता है। वजन मत करो निमित्त के ऊपर, वजन उपादान पर होना चाहिए। उपादान वाला हमेशा ऊपर चढ़ता है, निमित्त वाला नीचे उतरता है। हमेशा उपादान वाला ऊपर चढ़ता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गुणस्थान चतुर्थ प्रकट हुआ, उपादान वाले का गुणस्थान एक के बाद एक ऊपर चढ़ता जाता है। और निमित्त की दृष्टि वाला, निमित्त आदि दृष्टि वाला, वो नियम से नीचे उतरता है,
अनादि की निमित्तादिन दृष्टि जीव की पड़ी है, तो यहां वो छुड़ाते हैं। स्पर्श ही नहीं हुआ पानी को कुंडलिनी का पत्र को, जो सब तुझे दिखता है ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। तूने आत्मा को नहीं देखा इसलिए कोई तुझे आत्मा बतावे, नहीं नहीं आत्मा जैसा कुछ नहीं है। अरे भैया तूने नहीं देखा इसलिए आत्मा नहीं है, तुझे दिखने में नहीं आता उपादान की शक्ति, तो इसलिए उपादान की शक्ति कोई चली जाती है। उपादान की शक्ति स्वयं सिद्ध अपने पास है अपनी, और निमित्त की जरूरत नहीं सचमुच में। निमित्त नियम से अकिंचित कर होता है, कुछ कर नहीं सकता किसी के उपादान में निमित्त, क्योंकि वो भी खुद का अपना उपादान है निमित्त भी, इसलिए वो नहीं कर सकता। वो दूसरे की क्रिया क्यों करने जाए, अपनी क्रिया अपने द्रव्य में अपने गुण से अपनी परिणमन शक्ति से होती है, और सामने वाले पदार्थ की भी उसकी परिणमन शक्ति से उसकी क्रिया होती है। निमित्त क्या करे उसमें, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो व्यवहार है, समयवर्ती है, एक समय का है, उसको व्यवहार भी सम्यक ज्ञान होने के बाद में उसका नाम व्यवहार पड़ता है, तब तक अज्ञान है, वो व्यवहार नहीं है, व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है, ऐसा करके उसकी स्थापना करता रहता है जीव। इतना तो व्यवहार है ना, इतना तो होना चाहिए, इतना निमित्त तो है तो सही ना। अरे भैया तेरा उपादान का समय समय भाव मरण हो रहा है, श्रीमद जी ने लिखा क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का हो राजी रहो, समय समय में भाव मरण हो रहा है। अपनी उपादान की शक्ति को जो नहीं पहचानता उसको समय समय में भाव मरण होता रहता है, और वो निमित्त को ही ढूंढता रहता है, कहां से ऐसा निमित्त मिल जाए कि मेरा उपादान जागृत हो जाए। कभी नहीं होगा जागृत उपादान, उपादान जागृत होगा तो निमित्त तो दौड़ता दौड़ता आएगा तेरे पास। ऐसी व्यवस्था है जिना जैन दर्शन में, ऐसी व्यवस्था है। उपादान ही उपादान है सब, निमित्त बिल्कुल नहीं है, है ही नहीं निमित्त। कि इतना आप बोल देते हो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा तो शास्त्रों में बहुत आती है, तो तुझे ज्ञान कराया जाता है भैया। जब दो पदार्थ की दो पर्याय का संयोग तुझे दिखता है, हुआ नहीं है, तब तुझे ज्ञान कराते कि ऐसा हो रहा है, तू उसको सच्चा मान लेता है, उसी का नाम तो मिथ्या को है। तुझे गुरुदेव श्री ने 45 साल तक उपदेश दिया, गुरुदेव श्री ने 45 साल तक का उपदेश में मिथ्या को कैसे चलाया है जीव का, ये मूल बात थी उसकी। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं अनंत प्रकार के मिथ्या तो चलते रहते हैं जीवों के, कहीं न कहीं अपनी बुद्धि को लगा देता है, कहीं न कहीं लगा देता है। जड़ का परिणमन जड़ में स्वतंत्र हो रहा है, चेतन का परिणमन चेतन में स्वतंत्र हो रहा है, उसकी उपादान की शक्ति का भरोसा कर, तो स्वयं शुद्ध परिणमन हो जाएगा। तब बाहर में कर्म का अनुदय होगा तो बोला जाएगा कि कर्म का अनुदय को निमित्त कहने में आता है, वो तो ज्ञान कराने की बात है, उससे कुछ नहीं होता। ऐसा यहां कहना चाहता है कि कमलिनी का पत्र को पानी में डूबा हुआ दिखने पर भी वो पानी रूप हुआ नहीं, पानी में डूबा नहीं, पानी के साथ उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, उसको बाहर निकालो कमलिनी का पत्र को पानी से, एक बूंद भी पानी नहीं आएगा उसमें, तो ये देख लिया ना, इसलिए सच्चा है। आत्मा को जब देखता है तब विश्वास आता है, अभी जब तक नहीं देखा
तब तक ज्ञानी लोग बोलते हैं, जिनेंद्र परमात्मा बोलते हैं, आचार्य भगवान बोलते हैं कि अभी मैंने तो मेरे तो दिखने में आया ही नहीं, इतना सुंदर होगा आत्मा, इतना आनंद गुणात्मक होगा, इतना असंख्य प्रदेश होगा, ऐसा इसका त्रिकाल काल होगा, ऐसी निर्विकल वस्तु मेरे पास पड़ी है, ऐसी जाजरमान वैभवशाली वस्तु हूं मैं, उसका भरोसा नहीं आता उसको, क्योंकि उसने देखी नहीं ने, देखने पर भरोसा होता है, वो तो नास्तिक मत है। देखे हुआ का ही श्रद्धान करना, वो तो नास्तिक मत वाला ऐसा सोचता है। ऐसा कहना चाहते यहां कि उपादान का भरोसा कर, उपादान की स्वशक्ति का भरोसा कर, तेरे पास दोनों उपादान है, त्रिकारी उपादान भी तेरा द्रव्य स्वभाव है और क्षणिक उपादान भी तेरा पर्याय स्वभाव है। और तो कुछ है नहीं तेरे पास कि तेरे में कि तेरे को दूसरे की जरूरत भी पड़े। इसलिए यहां कहना चाहते हैं कि कमलिनी का पत्र को पानी का स्पर्श हुआ ही नहीं, ऐसा कमलिनी का पत्र को उसके स्वभाव की समीक्षा में देखो, पानी में डूबा है तब पानी के संयोग में दिखता है, उसी समय कमलिनी का पत्र का स्वभाव की समीक्षा में देखो कि स्पर्शी नहीं हुआ उसको किसी का, स्पर्शी है वो, ऐसा नायक स्पर्शी है, किसी को स्पर्शता ही नहीं, पर की तो बात छोड़ो, पर्याय का स्पर्श नहीं द्रव्य को, ऐसा त्रिकाल स्वभाव है, ऐसा चैतन्य परमात्मा है, ऐसा ध्रुव वस्तु पड़ी मेरे पास, वो वस्तु किसी को छूटी नहीं, ऐसी ऐसी त्रिकाल सत्ता परम परिणामी भाव लक्षण वाली अनादि से बच गई है, अनादि से बच गई है। जितने भी विवाह हो गए, कितने भी जन्म मरण हो गए, चारों गति का परिभ्रमण अनादि से चल रहा है, फिर भी मेरा त्रिकाल नायक भाव है उसमें कुछ नहीं हुआ। हर्ष होना चाहिए, ऐसी वस्तु बच गई है जिसमें कुछ हुआ ही नहीं और होने वाला भी नहीं कुछ, तू स्वीकार कर कि न कर, उसको कोई जरूरत नहीं तेरी, पर्याय उसका स्वीकार करे कि पर्याय उसका न करे स्वीकार, पर्याय उसका स्वीकार करे तो उसकी कोई माने की बढ़ोतरी हो जाती है, और पर्याय उसका स्वीकार न करे तो वो नायक भाव कुछ ढीला हो जाता है, बिल्कुल संबंध नहीं है, परम निर्देश तत्व है नायक भाव, शुद्ध पर्याय की अशुद्ध पर्याय की कोई की अपेक्षा नहीं उसको। तुम दुखी हो तो तुमको सुख चाहिए तो तुम नायक के पास जाओ भाई, पर्याय में दुख है, पर्याय में विभाव है, पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अपूर्णता है, पर्याय में अल्पपूर्णता है, तो वो पर्याय पूर्ण के पास आएगी, मैं तो ऐसा ना ऐसा हूं, मैं तो परम परिणामी भाव लक्षण वाला नायक भाव उतार स्वभाव अपरिणामी तत्व एक रूप अखंड नित्य भाव, ऐसा ना ऐसा, ऐसा ना ऐसा, ऐसा ना ऐसा, ऐसा ना ऐसा, कुछ हलन चलन नहीं, कुछ फेरफार नहीं, सिद्ध भगवान जैसे विराजमान होते हैं ना सिद्ध शिला पर, ऐसी ही चैतन्य प्रतिमा विराजमान है अंदर में, ऐसी मैं चैतन्य प्रतिमा हूं, ऐसा मेरा त्रिकाल स्वभाव है, ना तो कोई पर्याय में जाता है, ना तो कोई पर्याय को स्पर्श करता है, ना तो गुणवेद में भी वो बसता है, ऐसा परम खंड चैतन्य तत्व में हूं, उसको यहां कहते हैं कि कमलिनी का पत्र को पानी के साथ संयोग दिखने पर भी पानी से स्पर्शित न होता हुआ, ऐसा कमलिनी का पत्र का स्वभाव की समीप जाके उसको देखो तो तुझे पता चलेगा कि जैसे कमलिनी का पत्र पानी को स्पर्शित नहीं हुआ, ऐसे तेरा ज्ञायक भाव भी मैं पर द्रव्य को नहीं स्पर्शित हुआ, अपनी पर्याय से भी अस्पर्शित रहा और गुण भेद में भी नहीं आया और पांच विशेषण रूप भी नहीं हुआ। अब स्पष्ट अन्य नियत विशेष संयुक्त ऐसा तो आत्मा है ने,
तो कि ऐसा आत्मा है ही नहीं, पर्याय वाला तो नहीं है, गुण भेद वाला तो नहीं है, मगर विशेषण से युक्त भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, विनायक तो विनायक है, भूतार तो भूतार है, एक रूप तो एक रूप है, अखंड तो अखंड है। उसको किसी की उपमा दे दो, उपमा दे दी तो उसकी अनुपमता चली जाएगी। ऐसा चैतन्य स्वभाव है, ऐसा ध्रुव स्वभाव है, ऐसा ध्रुव स्वभाव, ऐसा चैतन्य स्वभाव माने मैं ऐसा हूं, दूसरा नहीं है कोई चैतन्य स्वभाव, मैं ऐसा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ध्रुव हूं, ऐसा यहां बताना चाहते हैं पांचों बोल के माध्यम से। दूसरा बोला है, दूसरा बोल अवध स्पष्ट वाला बोलाया। देखो भैया, अवध स्पष्ट के बोल में बध स्पष्ट की अपेक्षा से कर्म की चर्चा चले, माने कि स्पर्श की चर्चा चले, बध की स्पर्शा चर्चा चले, ये सब बध स्पष्ट आदि भाव में चला जाता है। तो मेरा स्वभाव नहीं है, प्रति एक एक बोल में उसको ज्ञान कराया जाता है पर्याय का, मगर पर्याय का ज्ञान में ही रुक जाता है जी। पर्याय में तो पर्याय की दृष्टि तो छोड़ना चाहता है कि पर्याय तो मेरे में है ही नहीं। निश्चय का द्रव्य की बात चल रही है भैया, प्रमाण का द्रव्य की नहीं, पर्याय तो मेरे में नहीं है ही नहीं, इसलिए उसकी दृष्टि तो नहीं करता हूं। मगर पर्याय का ज्ञान तो होता है ना, पर्याय का ज्ञान तो होता है ना, ऐसा परिणमन हुआ ऐसा ज्ञान तो होता है ना, वो ज्ञान तो मेरी चीज है कि नहीं। तो कि ज्ञान तेरी चीज होने पर भी उस पर जब तक दृष्टि लगेगी ऐसा भेद पर, तब तक अवैध नायक पर दृष्टि नहीं जाएगी। तुझे तो ज्ञान कराने के लिए बताया, तो तूने तो उसको दृष्टि का विषय बना दिया। ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है, ज्ञान तो होता है, पर्याय भिन्न रूप होती है, ज्ञान भेद रूप होता है और ज्ञायक अवैध होता है। दृष्टि कहां पड़ती है उसकी, बस नजर कहां है, भिन्न पर है, भेद पर है कि अवैध पर है। पर्याय भिन्न है, ज्ञान भेद रूप है, ज्ञायक अवैध रूप है, तो देखता कहां है, उसी के ऊपर दृष्टि में सम्यकता और मिथ्यात्व का आधार है। या तो पर्याय को देखने में ही मशगूल, अरे पर्याय तो क्या, पर्याय में जो हो रहा है सब पर को देखने में मशगूल, तो पर की सत्ता से भी नहीं निकल रहा। मगर मुझे गुरुदेव श्री ने बहुत चर्चा 45 साल तक की ने, तो प्रमाण तक तो बहुत जीव आ गए, प्रमाण तक तो आ गए पर से निकल कर, मगर बार 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 प्रमाण में ही अटक जाते हैं। कोई ना कोई बहाने से पर्याय मेरी नहीं, पर मेरा नहीं, पर्याय का ज्ञान तो मेरा नहीं, तो भेद में अटका तो पर्याय ठीक नहीं हो गई भैया, स्वरूप नहीं है ऐसा, स्वरूप तो एक रूप अखंड अवे चैतन्यमय स्वरूप है, वो दृष्टि का विषय परिपूर्ण है, उसी की चर्चा यहां कर रहे चौथी गाथा। दूसरा बोल अनन्य का बोल आता है, दूसरा बोल भेदता और भिन्नता की चर्चा। पर्याय माने कि कोई भी पर्याय उत्पाद वाली होती है, वो उत्पाद वाली पर्याय ज्ञान के अलावा वो पर्याय जो भी है वो भिन्न रूप रहती है। ज्ञान की पर्याय है वो अपने द्रव्य से कथनचित भिन्न भिन्न रहती है, तो वो ज्ञान की पर्याय भेद रूप है और बाकी की पर्याय भिन्न रूप है। हाँ, ज्ञान 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 प्रति समय रहता है, वो उपयोग अनादि अनंत है कायम,
प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप, प्रगट रूप ज्ञान है, उसमें कोई वधगट नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, उससे आगे चले जाओ तो ज्ञान गुण भी ले सकते हो आप, वो भी भेद रूप है। इसमें गुण भेद की भी चर्चा आती है ना अविशेष में, चौथा बोल में वो भी ले सकते हो, तीसरे बोल में पर्याय भेद की चर्चा, चौथे बोल में गुण भेद की चर्चा है, दूसरे बोल में है वो मिट्टी की चर्चा, मिट्टी के बर्तन की, अनन्यपना की और अन्यपना की, पहले बोल में है अवध स्पष्ट की, कमलिनी का पत्र की, वो पहला बोल है वो बद स्पष्ट आदि भाव है वो पर द्रव्य है और अवध स्पष्ट है स्वद्रव्य है, दूसरा बोल है गति है वो पर क्षेत्र है, अनन्यपना है वो स्व क्षेत्र है, तीसरा बोल है हानि वृद्धि वाला वो परकाल है और त्रिकाली द्रव्य है वो स्वकाल है, चौथा बोल है गुण भेद का, तो गुण भेद का जो परिणमन है वो परभाव में जाता है और त्रिकाली द्रव्य है वो स्वभाव का, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरा स्वभाव की अखंडता पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बद स्पष्ट आदि भाव की भिन्नता, ऐसा यहाँ बताना चाहते हैं। हाँ ऐसा तो ऐसा है, एक तो होता है आगम प्रमाण, आगम प्रमाण ही होता है, कोई भी जगह प्रमाण आवे ना तो उसमें निश्चय और व्यवहार गर्भित रहता है, एक होता है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण में क्या होता है कि निश्चय रूप त्रिकाली द्रव्य है और व्यवहार रूप मोरा द्वेष आदि अज्ञान रूप पर्याय है, वो द्रव्य पर्याय का जोड़ा अशुद्ध पर्याय और शुद्ध निर्मल त्रिकाली द्रव्य, वो द्रव्य पर्याय की माने की स्थिति उसकी आगम प्रमाण उसे कहा जाता है, आगम का प्रमाण द्रव्य और पर्याय, द्रव्य त्रिकाली द्रव्य शुद्ध और उसका परिणमन में मोहरा द्वेष की अशुद्धता, वो दोनों को मिला के देखो तो आगम प्रमाण है द्रव्य। दूसरा एक आता है अध्यात्म प्रमाण, आपने बात छेड़ी तो उसको खोल दिया, दूसरा होता है एक अध्यात्म प्रमाण होता है, अध्यात्म प्रमाण में भी निश्चय तो त्रिकाली द्रव्य रहता है मगर व्यवहार उसमें जो पर्याय मोरा द्वेष की थी वहां उसकी जगह समय दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय हो गई, वो पर्याय के साथ का द्रव्य को अध्यात्म प्रमाण बोला जाता है। आगम प्रमाण और अध्यात्म प्रमाण दो हो गए, दोनों में निश्चय एक रूप है और व्यवहार में एक में अशुद्धता है दूसरे में शुद्धता है। अभी ये आगम प्रमाण और अध्यात्म प्रमाण दोनों में से जब आगम प्रमाण में जीव खड़ा है मोरा द्वेष तो पर्याय में चल रहे हैं ना, अभी सब जीवों को बहिर्लक्ष्य से चल रहा है मगर चल तो रहे है, उनका तो स्वीकार होता ही है, कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं भाई मैं तो शुद्ध ही हूं मेरी पर्याय में तो मोरा द्वेष है ही नहीं, तो बोले भैया तू तो अभी जैन धर्म के दरबार में प्रवेश किया आंगन में भी नहीं आया, तो व्यवहार का पक्ष होता है ना जिसको वो हरिजन वास में फेर फिरता है, वो चक्रवर्ती के बगीचे में भी नहीं आया निश्चय के पक्ष में भी, क्या व्यवहार का पक्ष के लिए समयसार परमागम की 11वीं गाथा के भावार्थ में जयचंद पंडित ने बहुत अच्छी बात लिखा है, ऐसा आपको तो सब मालूम है, उसमें लिखा है प्राणियों को, प्राणियों को माने कि जीवों को माने कि सब जीव को, सब जीव को भेद रूप व्यवहार का पक्ष, भेद रूप व्यवहार का पक्ष, व्यवहार नहीं भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, ये आगम प्रमाण का व्यवहार, भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, अनादि से, अनादि से है, इतना ही राग नहीं आएगा
भक्ति का राग नहीं आएगा, पूजा का राग नहीं आएगा, स्वाध्याय का राग नहीं आएगा। वो आवे वो अलग वस्तु और आग्रह वो अलग वस्तु है। आग्रह हो गए वो पक्ष है, आ जावे वो तो स्वयं आने वाली चीज है, वो होता रहता है और वो होता रहता है उसका वो प्रति समय करता बनता रहता है। तो अकर्ता स्वभाव से छूटता है। लिखा है उसमें प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है और माहौमाए अंदरों अंदर चर्चा भी यही चलती है, इतना तो होना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। अभी विधान चल रहा है, आप विधान में भी नहीं आते हो, इतना तो होना ही चाहिए। अरे भाई होवे वो अलग बात है, होना वो अलग बात है, आग्रह है ना वो व्यवहार का पक्ष है। माओ माए चर्चा वही चलती है, इतना तो होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना तो व्यवहार होना चाहिए। और तीसरी बात तो बहुत अच्छी लिख दी उसने कि जिनवाणी में भी, जिनवाणी में भी उसको सहायक जानकर, उसको सहायक जानकर उसकी चर्चा आ रही है। जिनवाणी में भी, ये जिनवाणी की बात कर रहा हूं, और वही जिनवाणी में जयचंद पंडित ने लिखा है। फिर चौथा बोल लिखा कि उसका फल क्या, कि संसार ही, संसार ही लिखा है, देख लेना आप यार, लिखा संसार ही है। तो भाई संसार से मुक्ति कैसे होए, तो कि आगम प्रमाण में से व्यवहार का निषेध कर और आगम प्रमाण में आगम का निश्चय है उसका आदर कर। तो व्यवहार का पक्ष छूट के सम्यक प्रकार का व्यवहार प्रकट हो जाएगा। वो सम्यक प्रकार का व्यवहार को अध्यात्म का प्रमाण में अध्यात्म का व्यवहार बोला जाता है। वो सब व्यवहार व्यवहार में आया, पूर्वचर व्यवहार बोल रहे हैं भैया। पर्याय एक समय की होती है, उसको पूर्वचर देखोगे, उसको पूर्वचर भूतकाल की पर्याय को सोचोगे तो त्रिकाली द्रव्य हाथ में ही नहीं आएगा। तो परंपरा से सभी पर्याय याद करते रहो, नहीं है ऐसा नहीं है। भूतकाल की पर्याय भी पारिणामिक भाव रूप गुण में अभी विद्यमान पड़ी है, उसकी सत्ता नहीं है ऐसा नहीं है। महावीर परमात्मा की सीम की पर्याय दसवें भाव में समय दर्शन की हुई, वो पर्याय भी पारिणामिक भाव में उसके गुण में अभी खचित रूप पड़ी थी। वो कई पर्याय नाश हो माने चली नहीं जाती, पर्याय व्यय होती है, नाश नहीं होती कभी, उसका भाव नाश हो जाता है। ऐसा कहते कि आगम का प्रमाण अध्यात्म का प्रमाण उसमें से निश्चय निकालो वो जीन वचन में कुशल है। जब तक निश्चय नहीं निकलता तो व्यवहार का पक्ष तो अनादि से चलता है भैया, व्यवहार का पक्ष चलता है, व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को व्यवहार का पक्ष होता है, ज्ञानी को व्यवहार प्रकट होता है। निश्चय और व्यवहार सम्यक ज्ञान के भेद है। व्यवहार व्यवहार कुछ नहीं है अभी अज्ञानी के पास, सोचना ही मत। व्यवहार का पक्ष है और पक्ष छूटता है, एक तो व्यवहार का पक्ष, एक प्रमाण का लोभ, उसी में ही निश्चय गायब हो जाता है। निश्चय में सचमुच सुगंध आनी चाहिए, व्यवहार का पक्ष और प्रमाण का लोभ में निश्चय की दुर्गंध आने लगती है उसको। कभी देखता ही नहीं उसके सामने। इसको ऐसा है कि ज्ञायक तो ऐसे पड़ा है, वो तो ध्रुव है, वो तो सामान्य है,
वो तो परिणाम में आता ही पर्याय पक्ष करेगी मैं अब ध्रुव क्या पता चलेगा लेकिन उसको पर्याय की ही प्रीति चलती है कि जब तक पर्याय लक्ष नहीं करेगी तब तक ध्रुव क्या काम का अरे भैया ध्रुव ही काम का है पर्याय लक्ष करे कि न करे कांति चित तो तेरे पास अनादि से बच गई है और पड़ी है भाई तू लक्ष कर कि न कर उसमें कुछ नहीं होगा वो ऐसे में ऐसी चीज पड़ी है इसलिए कोई भी समय में लक्ष करता है जीव वो समय दर्शन की प्राप्ति कोई पूर्व पर्याय की अपेक्षा नहीं महावीर भगवान आप सबको पता है वो कहानी दो मुनिराज उतर गए अभी तो मुंह धोने भी नहीं गए और सम्यक की प्राप्ति क्या संबंध है पूर्व पर्याय से कुछ संबंध नहीं है कुछ उसका छेड़ा तो टच होता होगा ना पर्याय का एक पर्याय का दूसरी का तो भैया वो तो पारिणामिकता हो गई वर्तमान पर्याय तो उत्पाद रूप है पूर्व की पारिणामिक भाव है भविष्य की पारिणामिक भाव रूपी है गुरुदेव का प्रवचन में आएगी बात कल फिर मैं कल उसको खोलूंगा बराबर आप बराबर तैयार रहे ना वो सुनने के लिए सब पता चल जाएगा द्रव्य पर्याय का पूरा स्वरूप एकदम ज्ञान में चोखा हो जाएगा तो पर्याय की प्रीति छूटे बिना नहीं रहेगी तो यहां कहते हैं कि अनन्य बना मिट्टी के बर्तन होते हैं अभी मिट्टी के बर्तन बोलो और वो बर्तन में मिट्टी ही नहीं है उसमें है ही नहीं मिट्टी और विचार करो तो बर्तन को देखो और ऐसा सोचो कि मिट्टी ही है तो अनुभव हो जाता है प्रवचन सार कहता है रोटी है ना रोटी रोटी काय की बनती है आटा पराठा काय के बनता है आटा का मटेरियल से पैदा करो उसकी तुम वो आकार तो आपने बना लिए है भैया रोटी पराठा जो भी बोलो वो आकार तो आपने बना लिए प्रदेश की पर्याय की अपेक्षा से है मगर उसमें मटेरियल क्या है मनुष्य गति में जीव बस रहा है देव गति में जीव बस रहा है तीन इंच में और नारक में जीव बस रहा है वो जीव में हूं और गति में नहीं हूं ऐसा कहना चाहते हैं अनन्य पना कोई गति में मैं आया ही नहीं गति होने पर भी मैं गति में नहीं आया गति से पृथक ही रहा हूं अनादि से विश्वास ही नहीं आता पूरी कमाल नजर की है पूरी कमाल विश्वास की है श्रद्धा की बात है उसकी काम श्रद्धा कहां करती है उसको श्रद्धा है कि मैं मनुष्य नहीं मनुष्य के समय में मनुष्य नहीं है वो मनुष्य पना परिणम रहा है उस समय में मनुष्य नहीं है जीव है जीव मात्र ऐसा कह रहे हैं अन्य अन्य गति में जीव गया है ऐसा कहा जाता है मनुष्य देव दिव्य गति में कहा जाता है ऐसा हुआ नहीं जीव उसके साथ अभेद हो जाता तो जीव ही नहीं रहता ऐसे अन्य 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 गति है मगर मैं तो अनन्य हूं तो तीसरा बोल है समुद्र में हानि वृद्धि वाला 45 मिनट में मैं पूरा करूंगा बराबर एक आध मिनट बाकी है तीसरा बोल है हानि वृद्धि वाला वो पर्याय की चर्चा उसमें तीसरे बोल में आई है देखो ये जो पर्याय आई है वो प्रदेशत्व गुण की पर्याय की दूसरे बोल में चर्चा तीसरे बोल में अर्थ पर्यायों की चर्चा व्यंजन पर्याय की चर्चा आ गई अभी अर्थ पर्याय में मेरा अर्थ स्वभाव नहीं है ऐसा मेरा स्वभाव है जैसे समुद्र है समुद्र को देखो आप तो लहरें हैं वो समुद्र का भाग है कि नहीं है
तो समुद्र का ही भाग है ना, समुद्र में से तो निकला है, बिल्कुल समुद्र का भाग नहीं है लहरें। यही तो बनी थे पहले तो आपने कहा है, मैं तो प्रश्न पूछता था। मैंने कहा नहीं है, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कभी। समुद्र है ना, समुद्र का भाग उसकी सपाटी तक ही रहता है, सपाटी से ऊपर लहरें चली वो समुद्र की लहरें नहीं है, वो समुद्री नहीं हो, वो लहरों की लहरें है, समुद्र की नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि उसको देख के समुद्र की दृष्टि नहीं हो सकती, वहां से नजर खिसकती है, छूटती है, तब समुद्र पर नजर जाती है, इसलिए वो समुद्र का भाग नहीं है। कोई भी समुद्र का भाग पर दृष्टि जाए तो समुद्र ख्याल में आना चाहिए, मगर नहीं आता लहरों को देख के, इसी लहर है वो समुद्र का परिणाम नहीं है, समुद्र का भाग नहीं है, वो समुद्र समुद्र रूप है, वो दृष्टि से उसको देखो। ज्ञायक तो ज्ञायक है, वो दृष्टि से उसको देखो, ऐसा स्वरूप बताया आचार्य भगवान ने और मुझे गुरुदेव श्री ने। सभी भवी जीव, सभी मोक्षार्थी जीव बिना समुद्र की लहरें होंगी क्या? बिना समुद्र की तो कभी लहरें हो ही नहीं सकती, वो प्रमाण का विषय है जरूर, उसको कोई निकाल नहीं सकता लहरे को प्रमाण के विषय में से, और दृष्टि का विषय में लहरे कोई डाल नहीं सकता, वो निश्चय का द्रव्य है, और वो जो आप बोल रहे हैं वो प्रमाण का द्रव्य है, आपकी अपेक्षा से वो द्रव्य प्रमाण का एकदम बराबर 100% है, उसका कोई निषेध नहीं कर सकता, मगर जब तक उसमें भेद ज्ञान जीव नहीं करेगा कि लहरों में नहीं समुद्रों में, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करेगा तब तक दृष्टि वहां नहीं जाएगी, ऐसा यहां कहना चाहते हैं। प्रमाण का द्रव्य की कोई बात बाकी उसमें पर्याय की उसमें से नहीं कर सकता, अगर उसमें से बात बाकी कोई करेगा तो वो जैन दर्शन के बाहर है, मैंने पहले ही बोला कि उसको अंगने में भी नहीं आया। सभी जीव ऐसा अपना स्वरूप समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भाव से।